हाँ जी, आपका नाम अमित मिश्रा है? हाँ जी, मैं ही हूँ, बताइए। जी एक्चुअली मैं ना अपनी गाड़ी बैक कर रही थी तो आपकी गाड़ी में ना हिट हो गया है। क्या? लेकिन आपको कैसे पता चला वो मेरी गाड़ी है? अरे वो मुझे गार्ड ने बताया था तो इसलिए मैं आपके पास ही आ गई डायरेक्टली। अच्छा, वैसे ये गाड़ी डैमेज कितनी हुई है? वो आपकी गाड़ी का ना बम्पर टूट गया है। सिटी यार। जी आप घबराइए मत, आप मुझे बता दीजिए कि आपके नुकसान के कितने पैसे हैं, वो मैं आपको दे देती हूँ। ऐसे कैसे बता पाऊंगा कितना नुकसान हुआ है? अब वो तो गाड़ी देखनी पड़ेगी ना, तभी पता चलेगा कितना पैसा लगेगा उसमें। ठीक है, मैं 1102 नंबर फ्लैट में रहती हूँ तो आप मुझे बता दीजिएगा। वैसे आप एक बात बताइए, आप वहां से चुपचाप भाग भी सकते थे, किसको पता चलता कि गाड़ी आपसे डैमेज हुई है? फिर आप यहाँ पे क्यों आई हैं? बात तो आपकी एकदम सही है, लेकिन मैं इतने पैसे बचा के करती क्या? आपको बता दिया ना तो मेरा मन का बोझ हल्का हो गया। ठीक है, मैं देख लूंगा। थैंक यू। आज का पूरा दिन खराब किया गया, साथ में अच्छा खासा नुकसान भी करा दिया। अरे तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? अभी तो तुम जूते पहन के गए थे, अभी वापस उतार रहे हो, ऑफिस नहीं जाना क्या? अरे यार, बस पूछो मत तुम। क्या हो गया? अरे वो 1102 में जो लड़की रहती है वो आई थी। लड़की? क्या चल रहा है मेरे पीठ पीछे, तुम जानते हो उसे? अरे जासूस की नानी, उसने मेरी गाड़ी ठोक दी थी इसलिए वो बताने आई थी। और तुम्हारा ऑफिस? अरे यार, इसी बात की तो टेंशन हो गई मुझे, तो मुझे ऑफिस से भी ऑफ लेना पड़ेगा। अच्छा तुम ज्यादा टेंशन मत लो, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अरे यार, तुम्हें इसमें अच्छा क्या दिख रहा है? गाड़ी उसने मेरी ठोक दी है, मैकेनिक के पास गाड़ी मुझे ले जानी पड़ेगी, खर्चा मेरा और बढ़ा दिया, और ऊपर से मैं ऑफिस नहीं जा पाऊंगा, बॉस मुझे बार बार कॉल करेगा, चिक-चिक सुनाएगा, गालियां सुनाएगा। अरे अब इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? बॉस को बता देना कि रास्ते में गाड़ी खराब हो गई इसलिए नहीं आ पा रहा हूँ। ये लो, बॉस का फोन ही आ रहा है, अब मुझे और ऊपर से बातें सुनाएगा। हेलो। हाँ जी सर। अरे नहीं नहीं सर, बस रास्ते में हूँ, गाड़ी खराब हुई इसलिए लेट हो गया मैं। क्या ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ किसी का? ठीक है सर। क्या हो गया? अरे वो ऑफिस में आग लग गई, जो टाइम से पहुंचे थे वो घायल हो गए, और जो टाइम से नहीं पहुंचे थे वो बच गए। भगवान का लाख लाख शुक्र है। देखा, मैंने कहा था ना, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अगर तुम आज टाइम से ऑफिस चले जाते तो ना जाने तुम्हारे साथ क्या हो जाता। अच्छा ही है कि आज तुम ऑफिस नहीं गए। हाँ सी, तुम सही कह रही हो। थैंक यू सो मच गॉड, आपने बचा लिया मुझे।